कोविड महामारी में सरकार मजदूरों का पलायन रोकेगी और उनके लिए बेहतर रोजगार की व्यवस्था भी करेगी, यह कहना है बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा का। मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि स्किल्ड लोगों को पंचायत स्तर पर ग्राउंड जीरो से मैपिंग कराकर सभी मजदूरों को बेहतर रोजगार के लिए सरकार ने रणनीति बनाई है। इसके तहत सरकार उन्हें ऋण दिलाकर उनको रोजगार करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी मजदूरों को जोड़कर 5 लाख तक का इलाज भी मुफ्त में किया जाएगा। मतलब बिहार के अंदर जितने हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनको उनके और उनके परिवार को आने वाले दिनों में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य चिकित्सा लाभ जो है वो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से उनको आच्छादित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसका हम समझते हैं कि व्यापक लाभ बिहार के अंदर जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उनको मिलेगा। इस दिशा में हम लोग काम को लगभग पूर्ण रूप से हम लोगों ने। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल नाबालिग के साथ होली के दिन गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसका वीडियो रविवार की सुबह को बदमाशों ने वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने से ही पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में 5 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अर्जुन सहनी को गिरफ्तार कर लिया और उसे सोमवार को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जी, एक नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सहनी गिरफ्तार होकर आए हैं। आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सजा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।